हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ एक छोटी सी अनबॉक्सिंग जेब्रोनिक 32 इंची जेब्रोनिक VA पैनल, जो क्राउड डिस्प्ले आती है, हल्की सी ऐसे क्राउड टाइप की डिस्प्ले होगी, इसकी मैं आपको अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ इसके जो फ्यूचर है वो क्या क्या आपको मिलने वाले हैं, डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है, साउंड की क्वालिटी कैसी है और क्या क्या हम लोगों को ऑप्शन मिल रहा है, VGA पैनल है, या सारा आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा, टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। वीडियो देखने से पहले चैनल को वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि 90% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते बट वीडियो वो देखते हैं। तो आप आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि चैनल को वो सब्सक्राइब कर ले। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और मैं दिखाता हूं आपको स्क्रीन। मैं वाला हूं कि इसके अंदर अपने क्या क्या फ्यूचर मिलने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो पे। आपको कुछ इस टाइप से स्टैंड मिलता है, ये भी मेटल का स्टैंड है, पूरा का पूरा आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। तो ये प्लास्टिक नहीं आता, पूरा का पूरा है वो मेटल का आता है और क्वालिटी है वो काफी है, वो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी मिल रही है आपको। तो सिंपली इसको आपको यहाँ से लगा के एक स्क्रू है वो यहाँ से आपको कसना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप आगे क्या होता है। आगे जो आपको दिखाने वाला हूँ, तो आपको देख पा रहे हो डिस्प्ले है वो अंदर से आपको इस टाइप से वो डिस्प्ले वो मिलने वाली है। तभी मैं इसको बाहर निकाल के आपको चेक कराने वाला हूँ। तो देखिए इसके अंदर आपको एक मैन्युअली डायरी मिलती है जो आपके किसी काम की नहीं है, ठीक है। अब जो डिस्प्ले है उसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, तो डिस्प्ले है उसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको दिखा दूं, जरा जूम करके दिखाता हूं। देखो, एक तो HDMI ऑप्शन मिल रहा है आपको, एक VGA पोर्ट मिल रहा है और ये DC कनेक्टर है जो आप डायरेक्टली इसको है वो पावर दे सकते हो। पीछे का जो लुक है वो काफी प्रीमियम लुक है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। पीछे से आपको एकदम क्लियरली जूम करके दिखा दूं कि लुक है वो काफी अच्छा लुक आपको जेब्रोनिक दे रहा है। डिस्प्ले क्वालिटी कैसी है वो भी मैं आपको ऑन करके दिखाने वाला हूँ। उससे पहले यहाँ पे आपको एक स्टैंड है वो इंजेक्ट करना होगा, वो मैं यहाँ पे स्टैंड है वो लगा रहा हूँ। ये स्टैंड लगाने के बाद में आपको पीछे ऐसे प्लास्टिक का एक डिस्प्ले टाइप का मिलता है, स्टैंड टाइप का छोटा सा, जो पीछे हम लोग इस तरीके से लगाने वाले हैं, जिससे क्या है डिस्प्ले का जो लुक है ना वो खराब ना हो। देखो अभी किस टाइप से लुक है वो आ रहा है, तो ये डिस्प्ले के अंदर ही आपको मिलने वाला है। अब मैं आपको ये पूरी सेटअप करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको एक पावर बटन है वो मिल जाता है, जिससे आप ऑन है वो ऑफ है वो कर सकते हो। तो अब LCD को मैं पूरा का पूरा लुक है वो लगा के चेक कराने वाला हूँ। तो मैं LCD को पूरा का पूरा है वो स्टैंड पे सेटअप, तो अब वो LCD का लुक है वो आपको कुछ इस टाइप का मिलने वाला है। तो मैं कैमरे से आपको पूरी स्क्रीन है वो दिखा देता हूँ। तब सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, छोटे से एक डेस्कटॉप से जोड़ के आपको डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है या जो क्वालिटी है वो चेक कराने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो पे, मैं फटाफट इसको है वो कनेक्ट करने वाला हूँ। तो देख पा रहे हो आप इसकी क्वालिटी है वो किस टाइप की क्वालिटी मिलने वाली है। तो मैं हर एंगल से आपको दिखाने वाला हूँ, इस साइड से एंगल से भी दिखाने वाला हूँ, उस साइड से एंगल से भी दिखाने वाला हूँ। तो एंगल में कुछ भी फर्क है वो ज्यादा विशेष करके नहीं आ रहा है, दोनों साइड से सेम ही क्वालिटी है वो आपको दिख रही है। तो हल्का सा मैं वीडियो भी आपको चला के दिखा देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं चलाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट का वो इशू आ जाता है। तो हल्का सा एक वीडियो चला के दिखाता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगी इसकी क्वालिटी है वो किस टाइप की है। क्वालिटी है वो इसकी टेस्ट करने वाले हैं कि डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो प्रॉपर्ली हमें कैसे मिलने वाला है। तो आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के अंदर क्या मिलने वाला है। तो देखिए आप स्क्रीन के अंदर देख पा रहे हो कि आपको जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो किस तरीके से मिलने वाली है। इसका ऑल ओवर जो रिव्यू मैं आपको बताऊं तो सब बढ़िया है, बट मेन दिक्कत इसमें साउंड क्वालिटी के अंदर। साउंड इसका बहुत ही लो साउंड है, जैसे अपने फोन के अंदर कैजुअली चलता है उस तरीके का साउंड है वो इसके अंदर मिल पा रहा है। अगर आप इस तरीके की LCD खरीदना चाहते हो तो साउंड है वो आपको अलग से लगाना पड़ेगा, बहुत ही लो क्वालिटी का साउंड है। बाकी LCD प्रीमियम है, आपको डिस्प्ले रेजोल्यूशन में भी थोड़ा बहुत फर्क आएगा क्योंकि VA पैनल है। अगर आप इस एंगल से देखोगे तो हल्का सा आपको कलर के अंदर वो फर्क आने वाला है। अगर एंगल आप चेंज करोगे तो कलर में वो बिल्कुल फर्क दिखेगा, ठीक है। LCD के अंदर आपको काफी प्रीमियम लुक मिलने वाला है जो आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हो। देखिए पीछे से हल्का सा है ना, ऐसे रोटेट गोल बना हुआ डिस्प्ले है, बहुत ही शानदार कलर के अंदर है और जो आप देख पा रहे हो वीडियो के अंदर काफी मतलब आपको बताऊं ऑसम क्वालिटी देने वाला है। और बिल्कुल यहाँ पे फ्रेमलेस
स्क्रीन है वो आपको मिलने वाली है। फ्रेम बिल्कुल भी नहीं है, एकदम बढ़िया डिस्प्ले है। बस कलर VA पैनल की वजह से जो कलर का थोड़ा बहुत इशू है वो इसमें आता है। अगर हम लोग एंगल से थोड़ा बहुत इधर उधर देखें तो हल्का सा इशू है वो आने वाला है, बाकी प्रॉपरली एकदम बढ़िया सी काम करने वाली डिस्प्ले है और बढ़िया प्रॉपरली चलने वाली है। अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, तो आपके लिए लगभग बढ़िया क्वालिटी में और कम प्राइस के अंदर आपको ये LCD है वो मिलने वाली है जबरोनी के अंदर। अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ऑनलाइन भी है वो खरीद सकते हो। तो ऐसे ही टेक्निकल से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।